नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। मैं श्री राजस्थान से हूँ। मैं जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की पैदल यात्रा कर रहा हूँ। तो आज उसका 145वां दिन है। तो कल शाम को मैं आया था सेलम के अंदर, आज मैं सेलम के अंदर ही हूँ। तो यहाँ के जो भाई लोग हैं, जो मैं को बहुत दिनों से मेरा इंतजार कर रहे थे, तो वो बोलते हैं कि आज एक दिन का स्टे ले लो, फिर आप अपना जर्नी कल स्टार्ट करना, आज थोड़ा यहाँ घूमेंगे वगैरह। तो आज सुबह हम जाने वाले थे, पर क्या करें, रात को बातें करते करते बहुत लेट हो गया और सुबह तो पता ही नहीं कब धूप निकल गई। तो ये है हमारे, नाम बता दो। भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन से वेट कर रहे थे हम इनका ही, कब आएंगे, रोज़ स्टोरी देखते हैं, बहुत अच्छा लगा। आज हम लेके जाएंगे घूमने कहीं पे। चलेंगे। अब राजस्थान से कौन सी जगह से हैं? जालौर जगह से हैं। तो आप स्कैन करके इनके पेटीएम पे कर सकते हैं। नहीं, ये है भावेश भैया, अभी बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, बोलेंगे आपको। सब बढ़िया। इन्होंने मुझे कहा था कि आप रह लो, आज सुबह हम जाने वाले थे पर वो कैंसिल हो गया, कल सुबह जाएंगे और आज भी पूरा दिन घूमेंगे। वो जीजा जी ना आपके? हाँ। तो मतलब ठीक है। तो और भी जो है, मतलब वो कहेंगे संजू भैया और उनके बड़े भाई के प्रताप भैया ना, तो भी जाएंगे, उनसे मिलवाएंगे। और यहाँ आसपास जो भी अपने मारवाड़ी भाई लोग बहुत है, तो जाएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो ये इनकी दुकान है, तो यहाँ पर स्टेशनरी की लगभग, यहाँ सेलम के अंदर बहुत ज़्यादा मारवाड़ी लोग रहते हैं ना, बहुत बड़ी सिटी है ये। ये भाई, तो दोस्तों अभी प्रदीप भाई हमारे से मिलने आए हैं, हमने इनको आग्रह किया तो हमारे यहाँ पे आए हैं। तो अभी हमारी छोटी सी दुकान और हम सब मिल के अभी चाय पीने के लिए तैयार है, और चाय हमारी एकदम प्यारी भाई की चाय है, तो एकदम कड़क का एकदम कड़क चाय जो हम पियेंगे अच्छे मज़े से। तो एक बार अपना नाम और मेरा नाम है व्रत, ऐसे मेरा नाम है व्रत के, और मैं हूँ राजस्थान से सिरोही जिले के एक छोटे से गांव बराल से हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने मेरी बात मान ली और हमारे यहाँ पे आए, मुझे बहुत खुशी हुई उनको देख करके, क्योंकि मेरा भी एक सपना था और इनको देखकर वो सपना मेरे अंदर आज भी जिंदा है। और मैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि इनको देखकर लोग अपने सपनों को पूरा करें और अपने ज़िंदगी को एक ऐसा अच्छा मुकाम दें कि आए जिंदगी में तो कुछ कर जाएंगे और अपनी जीत अपने सपनों को इस तरह पूरा करेंगे कि लोग हमको याद करें और देख के हमेशा एक स्माइल दे, जिससे उनके दिल को सुकून मिले। थैंक यू। और ये इनका इंट्रोडक्शन मैंने सुबह करवाया था, एक बार वापस अपना नाम बता दो। प्रवीण कुमार है। अभी अपन कहाँ जाएंगे घूमने के लिए वो बता दो। अभी हम यहाँ से इनके थोड़ी परचेज करनी है, वो देखेंगे, लेने टी शर्ट लाना है, फिर हम 1008 जाएंगे। हाँ, 1008 शिवलिंग है ना वहाँ पर? हाँ, वहाँ पे 1008 शिवलिंग है, तो वहाँ जाएंगे और वहाँ अच्छे तरीके से वीडियो बनाएंगे। और सुबह कौन सी जगह? वो किलोमीटर हिल स्टेशन है माउंट आबू जैसे, माउंट आबू जैसे वहाँ पे जाएंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे। वो मैं पूरा रिकॉर्ड करूँगा और फिर कल आपको दिखाएंगे वो, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों। ये भाई है, इन्होंने उनका नाम है भरत भाई, तो इन्होंने मेरे एक शायरी बनाई है, खुद ने बनाई है, उनको भी ऐसे कुछ सपने पूरे करने का शौक है, ऐसे ये शायरी बोलेंगे, मेरे लिए बनाई है। तो भरत भाई, तो मैं शायरी बोलता हूँ प्रदीप भाई के लिए, मन से जो इनको देखकर मुझको बहुत खुशी होती है, और मैं अपने शब्दों को अंजाम देना चाहता हूँ कि आपने अपने सपनों को पूरा करने की जीत ठान ली, अपने कदमों से हिंदुस्तान की ज़मीन नाप ली, और क्या कहूँ आपके बारे में, आपने तो मारवाड़ की शान रख ली। थैंक यू भाई, बहुत ही अच्छा है इन्होंने मतलब बनाई है। एक तो शायरी कॉपी करना, एक बनाना, बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। तो अभी जस्ट बारिश हो गई, ख़त्म हुई है, और हम जा रहे हैं अभी यहाँ पर 1008 शिवलिंग का टेंपल है, आशीष भोलेनाथ जी का। यहाँ पर होटल पर रेस्ट लिया था हमने, तो साथ में ये भावेश माली और चुनल, ये दोनों भाई साथ में, हम तीनों बाइक के ऊपर जा रहे हैं, तो ठीक है, आगे पुलिस भी है, थोड़ा ऐसे देख कर जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम उस मंदिर में पहुँच चुके हैं, ये सब शिवलिंग है, एक करके, और ये हाथी भी है। तो ये मंदिर है, इसके अंदर बहुत बड़ी शिवलिंग है, तो हमने दर्शन कर लिए। बाकी ये 180 नहीं, 1008 शिवलिंग, हाँ 1008 शिवलिंग है। और हर शिवलिंग के सामने ये मतलब नंदी महाराज भी है, और ये ऐसा मंदिर बनाया गया है, हर 1008 ये पूरे ठेठ नीचे तक है ना, हाँ पूरे पार्ट, हाँ नंबर लिखे हुए हैं। मंदिर के आगे वीडियो नहीं बना सकते, मंदिर के भीतर चलता है ऐसे। बाकी देखो ये कुछ ऐसा है, और मैंने ये पहली बार देखा 1008 शिवलिंग जिंदगी में, पहली बार ये मंदिर है पूरा ऐसे। बाकी यहाँ के मंदिरों के ऊपर बहुत ही पेंट होता है ऐसे, कलर वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, और इसके अंदर भी बहुत बड़ी वाली मूर्ति है एक। तो ठीक है, मौसम भी अच्छा है और भोलेनाथ भी मिल गए,
आशीर्वाद मिल गया आज। बाकी चलते आगे, और कोई इसका इतिहास वगैरह कुछ हो तो मालूम। किसी ने किसने बनाए थे वो वाले को बता दो। वो तो किसी की मनोकामना के कारण, किसी को मतलब सेठ था ना बड़ा कोई, बड़ा सेठ है हाँ, उसका कोई टेंडर था, वो अगर के पास हो गया तो मैं ऐसे करूँगा, तो उसका पास हो गया और उसने 1008 शिवलिंग यहाँ स्थापित की है। यहाँ शिवरात्रि के दिन बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो मैंने भी पहली बार देखा, अच्छा लगा मुझे। बाकी चलते हैं बाहर, सामने की तरफ वीडियो बंद है, नहीं ले सकते। बाकी इसकी हर रोज़ पूजा होती है शिवलिंग की, भोलेनाथ जी की, हाँ एक एक वो 75 76 77 ऐसे ऐसे सब नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है चलते, तो ठीक है ये मंदिर है, अभी दर्शन हमने कर लिया है, ये श्री राम भगवान का मंदिर है, पूरा उनका परिवार एकदम, श्री राम भगवान, सीता माता, लक्ष्मण जी, भरत जी, दशरथ जी सब जने। बाकी ये शिवलिंग तो है ही, पूरे पहाड़ में 1000 शिवलिंग, 1008 शिवलिंग है पूरे, इधर इसके पीछे भी, उसके नीचे भी, इधर ऊपर ऊपर सब तक। बाकी ये मंदिर है, वहाँ पर भी एक मंदिर है, पीछे एक हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ दर्शन कर लिए हमने। बाकी शिव जी का वो बड़ा वाला मंदिर तो है ही है, वो दर्शन हमने पहले के लिए थे। ये कौन से भगवान का है, पहली बार आया अभी? पहली बार नहीं, सब भगवान का नाम याद नहीं होता अंदर जाके। हाँ ठीक है, तो कृष्ण भगवान का मंदिर। अच्छा हाँ, कृष्ण भगवान के बाहर से लग रहा है ऐसे, विष्णु भगवान का लग रहा है, विष्णु विष्णु भगवान, हाँ विष्णु भगवान का। तो ठीक है चलते हैं, अभी हम पूरे पहाड़ के ऊपर है ना, ये पूरा पहाड़ के ऊपर, पूरा पहाड़ है, लगता नहीं पर पूरा जंगल है और पूरा आर पार पहाड़ी पहाड़ है। तो अभी हम आ चुके हैं नीचे, और ये रहा पहाड़, यहाँ पर ये सब शिवलिंग बने हुए हैं, पूरे पहाड़ के चारों तरफ बने हुए हैं, 1008 शिवलिंग है, और यहाँ पर ये मेन मंदिर है शिव शंभू भोलेनाथ जी का। तो अभी हम जा रहे हैं घर पर, शाम हो चुकी है, घूमते 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 मतलब शाम हो गई थी, और ये रास्ता जाता है डायरेक्ट सेलम की तरफ, और ये जाता है कोयम्बतूर की तरफ। तो मैं जाने वाला, वो ये वाला हाईवे नहीं है, ऐसा कैसा हाईवे पास में है।